राजस्थान हाईकोर्ट ने मिलाप चंद डांडिया की अवमानना याचिका पर गहलोत सरकार और मुख्य सचिव को नोटिस जारी करते हुए 6 हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। मामला हाल ही में कोर्ट के पूर्व मुख्यमंत्रियों को दी जाने वाली आजीवन सुविधाओं में कुछ कटौती का है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट की 2 न्यायाधीश पीठ ने नोटिस जारी किया था। कोर्ट के फैसले दिए जाने के 2 महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी गहलोत सरकार ने अदालत के आदेश को लागू नहीं किया, जिसको लेकर डांडिया ने अवमानना याचिका दायर की। राजस्थान विधानसभा द्वारा राजस्थान मिनिस्टर सैलरीज एक्ट के तहत जो संशोधन किया था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्रियों को आजीवन बंगला, 10 नौकर, 1 गाड़ी पूरे भारत में घूमने के लिए ये सुविधा प्रदान की थी, तथा साथ में ही उन मुख्यमंत्रियों को जिनको ये सुविधा दी जा रही थी उनको भी, उनके भी ये अधिकार सुरक्षित रखे गए थे। उन प्रोविजनों को राजस्थान उच्च न्यायालय के अंदर हमारे वरिष्ठ पत्रकार श्री गुलाबचंद डांडिया द्वारा चुनौती दी गई थी, जिसका फैसला 4 सितंबर 2019 को माननीय तत्कालीन मुख्य न्यायाधिपति श्री भट्ट साहब द्वारा दिया गया था, तथा राज्य विधानसभा द्वारा जो मिनिस्टर सैलरीज एक्ट के अंदर जो संशोधन किए गए थे उनको निरस्त कर दिया। इसके तहत अब कोई भी मुख्यमंत्री एक आम नागरिक की तरह रहेगा तथा उसको किसी प्रकार की वह सुविधा का एंटाइटल नहीं है। इस जजमेंट की क्रियान्वित के लिए हमने 2 लेटर डंडिया साहब की तरफ से भेजे मुख्य सचिव को, जिसका आज तक कोई रेस्पॉन्स हमें नहीं मिला। दरअसल याचिकाकर्ता डांडिया ने प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्रियों को मिलने वाली आजीवन सुविधाएं जैसे आजीवन बंगला, टेलीफोन समेत आदि के खिलाफ हाईकोर्ट में केस लड़ा। मामले में जस्टिस प्रकाश गुप्ता ने 4 सितंबर को दिए गए फैसले के तहत राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन अधिनियम 2017 को अवैध घोषित कर दिया गया था। इस फैसले के तहत राजस्थान में किसी भी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी खर्चे पर असुविधा जीवन सुविधाएं नहीं मिल पाने का आदेश दिया गया। हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रदेश में वसुंधरा राजे के बंगला खाली करने को लेकर काफी विवाद हुआ। दरअसल वसुंधरा राजे अपने लक्की नंबर 13 के बंगले में रहती। बंगला खाली कराने को लेकर सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि इस फैसले और पूर्व मुख्यमंत्री के बंगले का कोई संबंध नहीं है। केंद्र और राज्यों में पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री को उनके वरिष्ठता के आधार पर आवास आवंटित किए जाते हैं। सरकार कोर्ट के इस फैसले को लागू करवाएगी, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से बंगला खाली करवाने को लेकर सरकार उनके वरिष्ठता के आधार पर ही निर्णय करेंगे। अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं, उनका यह कहना था कि एक पॉलिसी बनाई जाएगी जिसके तहत ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन से बंगले को एलोकेट किया जा सकता है सीनियोरिटी के बेसिस पे। उनका कहना था कि वो पहले भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं, तो उनका कहना था कि ये पॉलिसी के तहत डिसाइड किया जा सकता है कि उनको कौन सा बंगला मिल सकता है, और ये ज़रूरी नहीं है कि उनको 13 सिविल लाइन्स के बंगले को खाली करना पड़े। वो उनकी मर्जी में आए, जो पॉलिसी तय करें और उस पॉलिसी के तहत अलॉट करें, लेकिन 13 नंबर बंगला या और कोई सा भी बंगला आजीवन अलॉट नहीं हो सकता। अगर ये इम्प्लीमेंट इनको अलॉट भी करेंगे 13 नंबर का बंगला जो किया हुआ है, वो प्रेजेंट टेन्योर MLA तब तक ही रह सकता, उसके बाद नहीं रह सकता। तो ये जो इतना बड़ा बंगला 13 सिविल लाइन्स का उनको एलोकेटेड है, क्या आपको लगता है कि प्रेजेंटली वो जो विधानसभा में केवल एक MLA के तहत MLA की हैसियत से हैं, तो उस हैसियत से क्या उनको वो बंगला एलोकेट किया जा सकता है क्या? अब ये सरकार तय करेगी, ये तो सरकार तय करेगी, इस बारे में मैं कुछ नहीं कह रहा। पर आपका मानना है कि आजीवन सुविधाएं सरकारी खर्चे पर नहीं दी जा सकती कोर्ट ऑर्डर के बाद? नहीं दी जा सकती, आजीवन सुविधाएं दी नहीं जा सकती, किसी हालत में नहीं दी जा सकती हैं। ये कोर्ट का फैसला हो चुका है, वो फाइनल है। सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में UP के मामले को लेकर के फैसला कर चुकी है, जिसमें उसने कहा है कि नहीं दी जा सकती। पर अगर सरकार कहे कि जो वर्तमान टेन्योर है उसके लिए उन्हें 13 सिविल लाइन्स बंगला एलोकेट किया जाता है, तो देखिए लड़ाई 13 सिविल लाइन्स की नहीं है, लड़ाई सिर्फ इस बात की है कि क्या आजीवन इनको इस तरह की कोई सुविधा दी जा सकती है। मैंने सिर्फ ये लड़ाई लड़ी है, मेरी कोई व्यक्तिगत ये नहीं है कि इनको 13 नंबर मत अलॉट करो, कोई सा भी करो, कैसे भी करो, लेकिन आजीवन आप इनको नहीं दे सकते एज चीफ मिनिस्टर, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर। क्या आपको लगता है कि ये सरकारी जो लोगों का पैसा है उसका एक दुरुपयोग है कि कोई भी अगर एक बार चीफ मिनिस्टर रह जाए तो उसको आजीवन इस तरीके से सरकारी प्रॉपर्टी एलोकेट करना, लोगों के पैसे पे ऐसी सुविधाएं देना? ये कोर्ट ने अपने ऑर्डर में स्पेसिफिकली लिखा है कि बिल्कुल अन्याय है, ये नया एलाइट वर्क खड़ा करना है,
और ये सरकारी पैसे के ऊपर इसको कर रहे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति तक को अपना खुद इंतज़ाम करना पड़ता है, वो अपने इनकम के ऊपर टैक्स देते हैं। सो बहुत सारी बातें उन्होंने कई देशों को उदाहरण दिया है उसके अंदर। राजस्थान मंत्री वेतन संशोधन नियम 2017 राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान ही लाया गया था। वसुंधरा सरकार ने बंगला टेलीफोन समेत कई सुविधाएं पूर्व मुख्यमंत्रियों को देने का बिल विधानसभा में पास करा लिया गया था।